तो शुरुआत सबसे पहले रीता जी आप ही किससे करता हूँ, क्योंकि कई सारे सवाल रिपोर्ट्स में भी हैं, हमारे मन में भी हैं, और आज सवालों की बौछार आपके सबसे ज्यादा होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आज कमर की पेटी कस के आप बैठेंगी और सारे सवालों का जवाब देंगी। मैम, किसी भी देश के विकास की रीढ़ उसका एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो कि इस एजुकेशन सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी जो मनमानी है या उनकी जो नीतियां हैं वो इस रीढ़ को कमजोर कर रही हैं। आप कैसे देखती हैं उसको, आपका टेक क्या है? मैम, पहली बात तो ये है कि सिर्फ पेटी कस के ही नहीं आई हूँ, मैं लस्सी में मक्खन डाल के पी के भी आई हूँ क्योंकि पता था कि जिस तरह का विषय है, पैनलिस्ट हमें नहीं पता थे बाकी कौन होंगे, लेकिन जिस तरह से विषय था हमें पता था कि पूरे अटैकिंग मोड में सब लोग होंगे और वो एस्टैब्लिश हो गया आपकी इनिशियल रिपोर्ट से, क्योंकि जब शब्द यूज़ हुए मुनाफाखोरी और मनमानी से एक ही तराजू में सबको तोला जाए ये अच्छी बात नहीं है। और लेकिन अगर ये शब्द आ रहे हैं लोगों के जहन में या जबान पे, तो ज़रूर कोई ना कोई कई स्कूल हैं जिन्होंने ऐसी गलतियाँ की हैं, तभी ऐसा नाराज़गी है। तो मैं बिल्कुल सिर्फ एक छोटे उस पोर्शन के लिए नहीं बात करूंगी जिसको मैं लीड करती हूं, मैं सबकी तरफ से बात करने की कोशिश करूंगी कि सही नहीं है जो ऐसा कर रहा है एडुकेशन। थोड़ा मैं ये भी बोलूंगी कि जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वो कमी पूरी कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर पाया, तो उसके लिए उनको अप्लॉज करना चाहिए, उनकी थोड़ी सी वाहवाही भी होनी चाहिए कि हम जब विदेशों में सैर करने जाते हैं, स्कूलों में घूमने जाते हैं, तो जितने भी अच्छे अच्छे हम स्कूल देखते हैं या किसी भी हम स्कूलों का या देश का या शहर का आंकड़ा लेते हैं, तो मुश्किल से 5% या 6% इंडिपेंडेंट स्कूल्स होते हैं, बाकी पब्लिक स्कूल होते हैं। पब्लिक स्कूल जो बाकी देशों में शब्द यूज़ होता है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए होता है। आप जस्टिफाइड कर रही हैं मैडम ऐसे करके? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक जो प्राइवेट स्कूल ओनर है जिसने स्कूल शुरू किया है उसको थोड़ा बहुत एक वाहवाही मिलनी चाहिए वो कमी पूरी करने के लिए जो सरकार नहीं पूरी कर पा रही। मैम, स्कूल शुरू किया कि बिजनेस शुरू किया? अब हम आते हैं व्यापार वाले पोर्शन पे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो एक एस्टैब्लिश करना चाह रही थी मैं कि एक कमी, बहुत बड़ी कमी को पूरी की गई है, पूरा किया है प्राइवेट स्कूलों ने, आप मानती हैं? बिल्कुल, सबको मानना भी चाहिए मैं कहती हूँ। अब हम आते हैं आपकी मनमानी पे, और इस पे बहुत सारे स्टेट फी रेगुलेशन एक्ट लेके आ चुके हैं, बहुत अच्छे रेगुलेशन एक्ट हैं जो सबके फेवर में है, पेरेंट्स के फेवर में है, बिजनेस ओनर्स के फेवर में है, टीचर्स के फेवर में है। आप यूपी एक्ट ले लीजिए, आप हरियाणा का एक्ट ले लीजिए, बहुत अच्छे एक्ट हैं जिन्होंने बहुत क्लियरली, आपने भी इसमें मेंशन किया अपने रिपोर्ट में भी, कि एक और चीज़ जो मिस हो गई रिपोर्ट में ये थी कि CPI प्लस 5% का तो एक आंकड़ा है कि एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे 5% अगर आप जोड़ दीजिए, आपने बहुत सही फिगर दी थी लास्ट ईयर की, जो 5.6 था CPI उसमें 5% और जोड़ के 10.6 या 10.4 की परमिशन थी। वो परमिशन जो थी और उसके अंदर ही सारे यूपी के स्कूलों ने करना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना काम नहीं किया इसको करेक्ट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, वो होना चाहिए। मतलब स्कूल करते रहे, उनके लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, मतलब स्कूल चाहे 30% ले, 60% ले, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना मौलिक कुछ, मतलब अपना ईमान होना चाहिए, वो कहां है मैम? बिल्कुल होना चाहिए, और अच्छे स्कूलों में जो एकदम शराफत से स्कूल चला रहे हैं उनमें है भी, शराफत से यानी बदमाशी से भी चल रहा है, हो रहा होगा जरूर। अगर ऐसे मैम, अगर आपने शराफत वर्ड इस्तेमाल किया तो इसका मतलब बदमाशी हो रही है ना, पेरेंट्स के गर्दन पे अंगूठा दबा, जबरदस्ती की लगाई जा रही है। जैसे बहुत सारे स्कूल है, हम अपने ही ग्रुप के स्कूल की बात करें तो हम लोग कंप्यूटर को एज अ टूल पढ़ाते हैं, हम कंप्यूटर की किताब लगाते नहीं, कंप्यूटर की कॉपी लगाते नहीं, क्यों? हम नहीं बिलीव करते कि व्हाट इज आउटपुट डिवाइस पढ़ाया जाए, हम उनको दिखाएंगे कीबोर्ड, हम उनको दिखाएंगे मॉनिटर। तो जो पढ़ाने कोई के रवैये को सिर्फ किताब से जोड़ रहा है क्योंकि किताब से बिजनेस आएगा, तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि ऐसे स्कूल गलत कर रहे हैं। मैम, आप सेफ पैसेज ले रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अपराजिता जी सेफ पैसेज को सही से इलेबोरेट करेंगी। अपराजिता जी।